गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस मैं कौन ब्लॉग लेकर आ चुका हूँ और आज हमारे गली में कौर जानवर आ रहा है। कल एक कौर जानवर उतरे था नाफिल वो का 240 का, और अभी तलाल भाई का भी जानवर आ रहा है। गली में एक रहते हैं तो आएंगे तो उनका जानवर उतरते मैं आपको दिखाऊँ। ओके गाइस, और अभी रात के 4 बज रहे हैं और कल हम लोग गांठ लाने गए नहीं थे तो आज जाएँ ग्राउंड तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा। गाइस उस जानवर का इंतज़ार कर करके ना सुबह हो चुकी है और अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और अभी हमारी दोनों का चारा खा रही है तो मैं आपको भी दिखाता हूँ। जानवर आने वाला है अभी, वो वहाँ से जानवर बहुत महंगा मिला था तो वहाँ का जानवर लोग मजाक कर रहे थे, वहाँ से जानवर नहीं लिया था। ये लोग 11D से जानवर लेकर आए हैं तो मैं आपको भी दिखाऊँगा। अभी ट्रक से उतरेगा, अभी आया नहीं है वो, मैं आपको भी अपनी दोनों गाय दिखाता हूँ। गाइस पूरी गंदगी मची हुई है यार, ये देख सकते हैं पूरी भूसी भूसी सब पड़ा हुआ है। गाइस ये देखिए वाला जानवर, ये इसका भी चारा दिया हुआ है और ये बैठा हुआ है, इसको भी हमने अभी चारा दिया था, ये चारा इसका बचा है। और गाइस हमने इसकी नकील काट दी है क्योंकि यार इसकी नकील बहुत टाइट हो रही थी, ब्लड भी आ रहा था तो उसको अभी मोरा बांधा हुआ है। नाक दिखा दूँगा इसमें आपको, नीचे से आप इसकी नाक देखें, कटाए हुए दोनों नाकों में, बहुत टाइट बंधी हुई थी नकील। भाई ये जानवर फुल आराम कर रहा है, देखें कैसे लेटा हुआ है। ये जानवर मारता बिल्कुल भी नहीं है, इतना शरीफ जानवर है। इसकी टांग भी दबा लो कुछ नहीं करेगा, इसके जाल में भी लगा लो देखें आराम कर रहा है। अभी जानवर आ नहीं रहा है, हमने फिर से उल्लू बना दिए, लेकिन उसका सौदा चल रहा है अभी कि मतलब कि अभी लेंगे नहीं लेंगे। और अभी गाइस मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही है, नींद भी आ रही है भाई, तो अभी मैं सोने जा रहा हूँ तो मैं आपसे मिलूँगा सुबह उठने के बाद। अभी रात अभी सुबह के 7 बज रहे हैं, गाय ने पानी चारा सब खा लिया तो मैं अभी 5-6 बजे उठूँगा सुबह के, सुबह मतलब शाम में, तो फिर मैं आपसे मिलूँगा। ओके गाइस, और गाइस मेरी सुबह कब की हो चुकी है भाई, और अभी मगरिब होने वाली है, तकरीबन 7 बज रहे हैं और मैं मतलब के 6:30 बजे उठा था क्योंकि मैं 8-9 बजे तक सोया था। और अभी मैंने नहा लिया है और मैं अभी बिल्कुल फ्रेश हुआ हूँ और मैं अभी अपनी छत पे आया हूँ। और हमारी गली में एक और जानवर आया है जो मैंने आपको दिखाया था ना, 2-10 वाला जानवर जो मेरे एक दोस्त का उतरा था वहाँ पर, तो उसका एक और जैसा जानवर आया है लेकिन वो नुखरा है। उसकी उसके होंठ ना पूरे पिंक है, मैं आपको अभी दिखाऊँगा नीचे जाते हैं। अभी बहुत अच्छी हवा भी चल रही है, मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है। आप पूरा माहौल चेक करो यार, ऊपर से क्या टेंट वेंट पूरी माहौल आई हुई है। और वहाँ पर एक जानवर आया हुआ है, एक और जानवर आया है वहाँ पर, मैं आपको अभी नीचे जाऊँगा तो दिखाऊँगा। और हमारे जानवर अभी नीचे हैं, बहुत अच्छी हवा चल रही है यार। चलें गाइस हम नीचे जाने से पहले आपको बर्ड्स दिखा देते हैं क्योंकि हमने आपको अपने बर्ड्स कब से नहीं दिखाए हैं, तो अभी अजान भी हो रही है तो मैं जल्दी जल्दी आपको बर्ड्स दिखाऊँगा और फिर हम चलेंगे नीचे। भैया हम आ चुके हैं अंदर और अभी देख सकते हैं मेरे दो कबूतर के बच्चे जो बहुत बड़े हो गए हैं उड़ने वाले, और ये मादी ने अंडा दिया था जैसे अगर आपको पता है, ये अंडे पे अभी भी बैठी हुई है गाइस, और क्या सीन है। और ये रहा हमारा कबूतर का नर, और ये रहे हमारे बर्ड्स। अभी अंधेरा हो रहा है तो गाइस आपको सब सही दिख नहीं रहा होगा, और यार मैं आपको बड़े दुख से बता रहा हूँ कि हमारे अल्बाइनो का बच्चा मर गया यार, उसको पता नहीं किसी ने मारा था मादी ने, तो यार वो बेचारा मर गया है। तो हम सोच रहे हैं कि अल्बाइनो को हम सेल कर दें, हम फिर वापस से जावल आए और उससे ही ब्रीड करवाएंगे हम। और आपको गाइस मैं बताऊं कि हमारे सामने आपको पता है कि गेट के सामने एक कबूतरी आकर बैठती थी, तो एक कबूतरी के हमने पंख काट दिए और उसको हमने पकड़ लिया है, और आप उसका पूरा लुक देखें, ये डरती भी बहुत है यार। यार ऊपर जा रही, छोड़ देते हैं इसको। तो चले गाइस हम लोग अभी बाहर जा रहे हैं, अजान वजान भी हो रही है तो अभी हमें जाना चाहिए नीचे। ओके गाइस, यार हवा तो फुल मस्त चल रही है, हवा का तो क्या ही नज़ारा है गाइस। अभी मैं नीचे जा रहा हूँ गाइस, गेट शेट बंद कर देता हूँ। गाइस एक और जानवर आया था, भैया आप इन दोनों का प्यार चेक करें,
कैसे एक साथ खा रहे हैं। टब डाल डाल के इसका खाना ख़त्म हो गया। गाइस मैं इस जानवर की बात कर रहा था, ये जानवर आप देख सकते हैं इसकी नाक बिल्कुल पिंक है। और ये बकरे हैं इनके, ये वाला बकरा देखो और ये सबसे बड़ा बकरा है, ये भी गुलाबी है, गुलाबी है। और ये मैं इसकी बात करता हूँ, इसकी पिंक, इसकी ना वो नाक बिल्कुल पिंक है। और ये 2-10 वाला जानवर बैठा हुआ है जो मैंने आपको दिखाया था उतरते हुए। और ये 277 का और ये 210 का है। खानदान चारा बना रहा है, ये बड़ी वाली गाय का बना रहा है क्योंकि वो छोटी वाली गाय में से खा रही है। और देख सकते हैं हैंड चारा बन रहा है। खाएंगे आप लोग? ये बोल रहा खाएंगे आप लोग, तू गा ले भाई। इसमें ये भूसी डालना है। गाइस जब हम लोग चारा बनाते हैं ना तुम्हारे यहाँ तो पता नहीं क्या हो जाता है, बिल्कुल दाने पड़ रहे हैं। आप देखें मेरे, ये आपको लाइट में दिख नहीं रहा होगा, ये देखें मेरे हाथों में कैसे चुभन होती है, दाने पड़ रहे हैं मेरे हाथों में ये चारा बना बना के। और गाइस अब ये अहमद भाई का जानवर है, ये जो ये इस घर में रहता है। और ये कितने का है? 1.5 लाख का। और ये भी खाना खा रहे हैं, 150 का ये देख सकते हैं माशाल्लाह चारा खा रहा है अभी। और गाइस हमारी गली में एक और जानवर आ रहा है, वो भी बजाज भाई और साथ का। तो अभी वो पता नहीं कहाँ है, तो अभी थोड़ी देर में आएगा, तो अभी मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। तो अभी हम लोग बाहर चलते हैं गाइस। और अभी हमने छोटी वाली को चारा बना के दिया था और ये खा नहीं रही, इसने हमारा चारा छोड़ दिया। और अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं जानवर का। गाय खोली है तो गाय टहला रहे हैं अभी गली की। अरे डरा नहीं टकलू, तो अभी टला रहे ना। मैं अभी हेलो अबे चुप कर मोटे मोटा बोल भी कौन रहा है। यहाँ पर गाइस और जानवर आए हैं। रुक गया भाई। तो गाइस इसको अभी वापस लेके जा रहे हैं घर। और ये भी ब्लॉगिंग कर रहा है जयान साहब। अभी हम लोग गाय टहलाने गए थे तो हमने 2 गाय टहलाई थी। और यार अभी तक आरम भाई लोगों को और बजाज भाई लोगों को जानवर नहीं आया है। तो अभी 12 बज रहे हैं, 12:20 हो रहा है और मैं कब से इंतज़ार ही कर रहा हूँ कि जानवर आ जाए। जानवर अभी तक आया ही नहीं है, तो जब तक जानवर आएगा तो मैं आपको दिखाऊँगा। अभी मैं जानवर का वेट कर रहा हूँ, 2 जानवर आएंगे शायद। और अगर शायद आज जानवर ना आए तो शायद जानवर कल आएंगे, तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा गाइस। ओके मैं आपसे मिलता हूँ जानवर आने के बाद। आ रहा है, सब इंतज़ार कर रहे हैं इधर जानवर का, इधर से जानवर आएगा। और अभी सब इधर क्या क्या ये देखें भाई, छोटे बच्चों की साइकिल चला आ रहा है ये, इतनी छोटे बच्चों की साइकिल चला रहा है। आप नहीं चला रहे थे उस वक्त? आप नहीं चला रहे थे क्या उस वक्त? भाई ये समझता है कि इसकी बॉडी है, ये देखें ये क्या उल्लू बना रहे हैं लोग, इसकी कहीं से बॉडी नहीं है, कुछ भी नहीं है इसकी। एंड ये वो दिखा रहा है, क्या बोलते हैं हड्डियाँ, ये देखो हड्डियाँ दिखा रहे हैं। ये बॉडी है बेटा, ये इधर आओ तो इधर गाइस को इधर आओ बेटा, ये बॉडी नहीं, ये पेड़ का पत्ता है, ये बॉडी नहीं है, जो सच सच बात है ये बॉडी नहीं है, ये बॉडी नहीं है, ये बॉडी है, हटाओ तो हाथ तो हटाओ, कुछ भी नहीं है खाली हड्डी है। अबे ओ सराई क्यों, क्या क्या कर रहे हो ये सब तुम लोग? अबे मैं चमाट मार दूंगा, अब नहीं आनी चाहिए मुझे। ओह माय गॉड, ओए ओए आपने मारा क्यों? मुझे चप्पल ही लाया था, मैं हाथ लगा, आपने कहा था मुझे चप्पल लाना, जब मारू मेरी ब्लॉग बना के वायरल करेंगे साले को, झूठ बोल रहा है। अब क्यों मार रहे?
भाई जान यार वैसे नहीं कर यार। अब बच्ची की साइकिल दे दो वो बच्चा। भाई ये दोनों लड़ रहे हैं। लेट्स खोल दिया। अरे गाड़ी अब आयुष को पकड़ लो बेटा। गाइस कब से गाय का इंतजार कर रहे हैं, गाय आ नहीं दे रही और यहां पर बड्डा हो चुका है इन लोगों का। जाओ जाओ भाई ये भाग रहा है। भाई जानवर आए नहीं, मिट्टी आ गई है, ये देख सकते हैं मिट्टी आ गई है इधर। भाई ये मिट्टी डाली हुई इधर। भाई वहाँ पर अभी मिट्टी डल रही है और गाइस मैं अभी दवाई खाने आया हूँ, मुझे खांसी आपको पता है बहुत हो रही है, तो मैं अभी दवाई खाऊंगा फिर मैं दोबारा बाहर जाऊँगा। ओके गाइस। और ये मेरी छोटी बहन इधर आओ, कैसी हो भाई, इसके पूरे बाल बिगड़े हैं। भाई दवाई खाने के बाद ना मेरी हालत ख़राब हो गई थी तो मैं अभी घर पे, तो अभी रात के 4 बज रहे हैं, मेरे दोस्त बाहर हैं और अभी 7 लोगों की गाय नहीं आई जिनकी मैं गाय बता रहा था, मिट्टी डलती हो चुकी है लेकिन अभी तक गाय नहीं आई है उनकी। और पता नहीं अचानक से वो लोग बोरे में मिट्टी लेकर आए आगे वाले और वहाँ पर मिट्टी डाली, शायद उनकी गाय आ रही है, तो चलेंगे भाई गाय इस बाहर का सीन देखते हैं। भाई ये देखिए इतनी सारी मिट्टी डली हुई है, अभी मजाक कर रहा है यार, मजाक कर रहा हूँ और ये सफाई कर रहे हैं। फजूल बातें नहीं करो। अल्लाह की कसम ना पे दिमाग। गाइस यहाँ पर 2 जानवर बैठे हुए हैं जो मैंने आपको पहले दिखाए थे और अभी रात हो रही है ना तो लोग बिल्कुल आराम कर रहे हैं। चाहिए भाई तू ठीक है? और ये वाला जानवर बहुत मारता है, मैंने इसको हाथ लगाने की कोशिश करी थी, पीछे ऐसे सर मारता है, पीछे ना ऐसे सर करके मारता है। और ये भी सारे दोस्त हैं यहाँ पर। भाई की सर कोई सीन करने जा रहे हैं ये लोग, पता नहीं ऐसा क्या करना चाह रहे हैं, दुकान के पास जा रहे हैं अभी, पता नहीं क्या करने का सोच रहे हैं, लोग भागते हुए जाता है, सन्नाटा हो रहा है, फुल रात हो रही है। वो आराम से, वो आराम से लोग भी बैठे हैं आगे। भाई बहुत गंदा सीन हो गया, मैं भी नहीं था भाई। भाई फाइनली जानवर आ चुके हैं। अरम भाई भाई ये देखे वाला बछड़ा, ये क्या है बछड़ा है, ये एक और भी आया है, 2 एक साथ आए हैं। भाई ये दूसरा जानवर आप देखें, ये भी आपको इसकी अनलोडिंग दिखाएंगे दोनों की। और भाई उतार रहे हैं, उतार रहे हैं। भाई उतार रहे हैं, उतार ये पहला उतर गया, अभी दूसरा उतरेगा। ओ भाई ओ भाई अरे ओ ये दो जानवर है भाई। मैं घर आ चुका हूँ और एक जानवर एक 90 का है बड़ा वाला और दूसरा जानवर 167 का है, तो अभी हम एक और जानवर आएगा तो मैं उसका भी इंतज़ार कर रहा हूँ, जब वो आएगा मैं तो आपको ज़रूर दिखाऊंगा। और भाई अभी 5 बज चुके हैं, अभी थोड़ी देर में रोशनी भी हो जाएगी, आने वाले हैं वो ना। और सुबह भी बहुत हो गई, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बूंदाबारी हो रही थी, वाला मौसम चला गया। और अभी हमारी गली में एक और जानवर आ रहा है। किस तरफ से आ रहा है भाई? जानवर आ गया सामने, वो ट्रक पे सब लटक के आ रहा है भाई। भाई ट्रक रुक गया, भाई हालत खराब हो गई सच में। ओ भाई भाई भैंसा वहाँ पर और भी जानवर है। ओ भाई जानवर उतर रहे हैं, उतर रहे हैं। भाई इसका फाइनल लुक देखें आप।
चले तो गाइस व्लॉग को मैं इधर से एंड करता हूँ। कोई वाला व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा। मैं आपसे मिलूँगा अगली वीडियो में, और अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।